Hello everyone, welcome back to the new video. In the previous video, I have covered about GTO 7-8 overview. So after then, I got so many comments and I received so many comments like how to process and what is the entire flow about internship. So in this video, we are going to cover about entire flow which you have to follow for the semester number 8. In case, we can also say that in this video, we are going to cover entire internship. Okay, so देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप जहां तक मुझे पता है डेफिनेटली स्टार्ट हो चुकी होगी बिकॉज नाउ इट्स हाफ ऑफ द फेब इज ऑलरेडी गॉन. तो फिर अब यहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम बचा है फॉर द सेमेस्टर नंबर 8. यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक PMMS करके पोर्टल है जो यहाँ पे ओपन है, तो ये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्टल फॉर सेम 8 इज ओपन नाउ एंड लेट मी ओपन दैट पोर्टल. एंड यहाँ पे मैंने लॉग इन कर दिया है. जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन करोगे आपके सामने यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा जिसके अंदर यहाँ पे सारे स्टेटस लिखे होंगे. अब यहाँ पे मेरे पास स्टेटस नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है, डिटेल नहीं है, बिकॉज आई एम पास आउट स्टूडेंट. मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल डाले और खुल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई थॉट इट वॉज इनवैलिड. ओके, अब यहाँ पे सब कुछ आपको स्टेटस दिखेगा, यू हैव टू फॉलो द स्टेटस. उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी में क्या कुछ करना होगा, एक्टिविटी में दो होगा. सबसे पहले आप जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे आपकी जो इंटरनल फैकल्टी आपको जैसे ही यहाँ पे अप्रूव कर देगी उसके बाद यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट. ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको इंक्लूड करना होगा आपके रिपोर्ट के अंदर. उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल एक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पे ये सारी आपकी मतलब कोई इतनी नेसेसरी थिंग्स नहीं है जितनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. अब यहाँ पे इसके अलावा आप स्टूडेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे टीम एक्टिविटी अप्रूवल होगी, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये सारी आपको डिटेल फिल करनी होगी और उसके बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे. इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ दूसरे फील्ड है ये सारे आपके काम के नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे आपको चेक एक्टिविटी स्टेटस में जाना होगा, एट डैशबोर्ड के अंदर जाना होगा. इसके अंदर यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा जो हमने पहले ही रिव्यू कर दिया है. और उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है टीम प्रोफाइल और उसके अलावा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अब यहाँ पे ये सारे फील्ड्स मेरे लिए एक्टिव नहीं होंगे बिकॉज द रीजन इज यू कैन नॉट सबमिट द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी टीम येट. दिस एक्टिविटी हैज नॉट बीन अलाउड. अब यहाँ पे मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ बट लास्ट ईयर यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे आप अपनी फाइल को ब्राउज करके अपलोड कर सकते थे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट. उसके बाद जैसे ही वो रिव्यू हो जाता है आपकी फैकल्टी के पास और अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट. ये सारे के सारे फील्ड कब एक्टिव होंगे, जब आप यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट जनरेट कर दोगे, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको एक फ्लो जनरेट करके बता दो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 वीक की एटलीस्ट 3 वीक की यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी होगी. उसके बाद एट द एंड ऑफ योर सेम 8 यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा PMMS पोर्टल के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आपकी इंटरनल फैकल्टी है वो सारे यहाँ पे आपको अप्रूव कर देगी और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एट दी एंड ऑफ योर सेमेस्टर यू हैव टू सिट फॉर एक्सटर्नल वाइवा कि जिसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़े से सवाल जवाब होंगे कि आपने पूरी इंटर्नशिप में क्या सीखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है. और उसके बाद यहाँ पे आपको एक हार्ड थीसिस हार्ड बाइंडिंग करवाना होगा जो मैंने पिछले साल वीडियो में दिखाया था. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, हार्ड बाइंडिंग बुक. ठीक है, ये होती किस तरह से, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी व्हेन आई वाज इन द लास्ट सेमेस्टर. तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पूरा का पूरा आपको जो रिपोर्ट होता है उसकी एक इस तरह से कॉपी निकालनी होगी जिसको बोलते हैं थीसिस या फिर हार्ड बाइंडिंग. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको डिजाइन आपको दी जाएगी, क्या कुछ लिखना होगा, कहाँ पे चेंजेस करना होगा, ये सब कुछ आपका जो आपकी जो फैकल्टी है वो आपको प्रोवाइड कर देगी. एट द एंड ऑफ योर 8th सेमेस्टर जब आप एक्सटर्नल वाइवा के लिए जाओगे तब आपको ये हार्ड बाइंडिंग या फिर थीसिस लेके बैठना होगा और उसके बाद ये आपके जो सामने एक्सटर्नल फैकल्टी होंगे वो सारे रिव्यू करेंगे और उसके बाद वहां से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने क्या किया है और वो सब कुछ यहाँ पे आपको रिव्यू करेंगे. बेस्ड ऑन हिज रिव्यू यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है, आपका रिजल्ट क्या होगा, मतलब पास फेल, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैकल्टी जो आएगी आपके वाइवा कंडक्ट करवाने के लिए उसके लिए. बट यहाँ पे डू नॉट वरी क्योंकि इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होता, इतना ज्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करते बिकॉज
एवरीवन नोज दैट कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप जस्ट पास होने वाले हो। मोस्टली यहाँ पे 99% पासिंग क्राइटेरिया मैंने देखा है, बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे फेल होने के चांसेस है। इसके अलावा यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं होता है, जैसे एक्सटर्नल वाइवा खत्म हो गया, यूजर्स हैव टू वेट फॉर द फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट और उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक समराइज पूरा वीडियो कर दूँ, तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप खत्म करनी होगी और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना होगा, उसके बाद ये जाएगा अप्रूवल के लिए आपकी जो इंटरनल फैकल्टी होगी उसके पास, और एट द टाइम यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर एक्सटर्नल फैकल्टी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिस अप्रूवल यू हैव टू मेक अ हार्ड बाइंडिंग ऑफ दैट एंटायर रिपोर्ट, और उसके बाद ये जाएगा एक्सटर्नल वाइवा के लिए। एक्सटर्नल वाइवा जैसे ही खत्म हो जाएगा, आफ्टर देन योर एंटायर सेम 8 इज कंप्लीट, देयर इज नो एनी न्यू स्टेप आफ्टर योर एक्सटर्नल वाइवा। सो दैट इज द लास्ट स्टेप एंड दैट इज द एक्सटर्नल वाइवा, और उसके बाद यहाँ पे आपका सेमेस्टर नंबर 8 कंप्लीटली रैप अप हो जाएगा और उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ओवरऑल इंटेंसिव एक्सपीरियंस दैट आई हैड, और आपको क्या करना होगा यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज एंटायर फ्लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, बाय बाय।